हाय एवरीवन, कि आप हमेशा सोचते हो कि जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके आई शेडो इतने पॉपअप पिगमेंटेड लगते हैं, लेकिन जब आप आई मेकअप करते हो तो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लगते हैं। तो अगर आप हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो तो इस वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। बहुत ईजी स्टेप में हमने फुल कट क्रीज आई मेकअप करा है जो बहुत पिगमेंटेड लग रहा है। बहुत ईजी स्टेप है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और बहुत ध्यान से सारे स्टेप को देखिएगा, आप भी इसी तरह का मेकअप ज़रूर कर पाओगे। पहले मैं कंसीलर लगा रही हूँ। कंसीलर को मैंने अच्छे से कंसीलर ब्रश से ब्लेंड किया है और उसके बाद मैंने एक ब्लैक जेल आईलाइनर लेके मैंने जेल आईलाइनर की एक लाइन बना दी है। पता है, इससे गाइडलाइन मिल जाती है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और एक स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमेशा याद रखिएगा, फुल कट क्रीज में दोनों आईज़ एक साथ काम करिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले मैं एक आईज़ कर लूँगी, उसको कम्प्लीट करके मैं सेकेंड आईज़ पर आऊँगी। अगर जिसने भी ये चीज़ करी कभी लाइफ में, चाहे वो बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही हो, वैसे तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसे काम करेंगे ही नहीं, लेकिन कोई भी हो, जो एक्सपर्ट को भी अगर आप कह दोगे ना कि आप एक आईज़ पहले करके दिखाओ दूसरी बाद में करो, किसी की आईज़ इक्वल नहीं होगी। आपको दोनों स्टेप्स एक साथ लेफ्ट राइट ऐसे करके चलना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप ये टेक्निक करोगे यूज़ हमेशा अपनी लाइफ में, हमेशा आपके आई मेकअप हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्टेप आपने राइट आईज पे करा है वही लेफ्ट पे एक साथ चलते रहना है, ठीक है। कंसीलर को मैंने दोबारा लगाया है, मैंने ऑरेंज आई शेडो लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने जो ब्लैक लाइन बनाई थी उसको मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लैक आई शेडो से। अब मैं इसको क्रीज को कट कर रही हूँ और बहुत क्लीन, पता है एक फ्रेम चाहिए रहता है, एक कैनवास क्रीन क्लीन कैनवास हमेशा चाहिए। अगर आपको अपनी आईज़ को पॉपअप करके दिखाना है, पिगमेंटेड आई शेडो दिखाना है, हमेशा कंसीलर ज़रूर अप्लाई करिएगा। और कंसीलर एक क्लीनलीनेस देता है, एक अच्छा सा बेस बन जाता है, तो आपका जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे से पिगमेंटेड लगता है, ठीक है। ब्लैक जेल आईलाइनर दोबारा लिया मैंने, ब्लैक जेल आईलाइनर से मैंने ये एक और फ्रेम बना लिया ब्लैक, मैंने उसको कट क्रीज करके ब्लैक आई शेडो जो लिड एरिया है उसमें मैंने एक शेप दे दी है, जिसपे मैं अभी इसमें आई शेडो अप्लाई करूँगी, ठीक है। बहुत अच्छे से कॉर्नर्स दिख रहे हो, आप देख रहे हो, बार बार मैं नोट कर रही हूँ कि यहाँ पे एक आप गाइडलाइन ले लो, जैसे ये आईब्रोज है, आईब्रोज का जहाँ एंड हो रहा है ना, मैंने वहाँ तक एक गाइडलाइन ली है और वो जो दूसरी भी आईज है उसमें भी जो आईब्रोज एंड हो रहा है वहाँ तक मैं एक शार्प एज बनाऊंगी। आफ्टर दैट हम उसको जेल आईलाइनर से ही फिल कर रहे हैं अच्छी तरह, बिकॉज एक बहुत अच्छा बेस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं रस्ट पिगमेंट जो व्योनी वेले का है। इसको पिगमेंट को मैं एक फ्लैट आई शेडो ब्रश से, ठीक है, आपने ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ नहीं करना, नहीं तो वो इतना स्मूथ और इतना अच्छे से एप्लीकेशन इसका नहीं होगा। आपने सिर्फ यूज़ करना है एक फ्लैट जो ब्रश होता है ना आई शेडो का, उससे आप इसको अच्छी तरह लगाएंगे। डैब डैब करके आपने एप्लीकेशन करनी है, बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना, बिल्कुल डैब डैब करके आपने प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करनी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये पिगमेंट। इसके बाद इसको हम ब्लैक आई शेडो लेंगे थोड़ा शिमर वाला, और उससे ब्लेंड ज़रूर करना है जो कॉर्नर्स है, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज भी करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। व्योनी वेले का है ये, आपको अमेजोन पे, नाइका पे, मिंत्रा ब्यूटी पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसे मल्टीक्रोम पिगमेंट्स कहते हैं, ये कलर चेंजिंग भी होते हैं, अगर आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे तो ये कलर को चेंज करेंगे। बेस बनाने के लिए ऑरेंज करेक्टर मैंने यूज़ किया है कंसीलर पैलेट से, आप कोई भी मिक्स कंसीलर पैलेट खरीद सकते हो। और अच्छे से ब्लेंड करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेकअप फट जाएगा या फिर पैची लगेगा आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं लगा रही हूँ फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से, अगर आप हमेशा फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से फाउंडेशन लगाएंगे, ये मैक का NC25 फाउंडेशन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, शेड भी डाल दूँगी मैं नीचे। और अगर आप फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से हमेशा लगाएंगे फाउंडेशन, आपका मेकअप कभी भी पैची नहीं लगेगा। और एक बहुत अच्छी एक और टेक्निक मैं आपको बताऊं, अगर आप बफर ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करेंगे अपना फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे
बजाय कि ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन से, तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा और उसका कवरेज भी हाई लगेगा। अगर आपको फाउंडेशन हाई कवरेज दिखाना है, फाउंडेशन को हाई कवरेज आप देना चाहते हैं, फेस को अच्छे से आप फेस को कवर करना चाहते हैं, तो हमेशा फाउंडेशन बफर ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करें। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मैं हाईलाइट और कॉन्टोर का स्टेप कर रही हूँ। मेन जो फेस की शेप आती है ना गाइस, वो सिर्फ हाईलाइट और कॉन्टोर से आती है और ब्लश से। पहले तो फ्लैट फेस आपका फ्लैट ही लगता है। जब आप अच्छा सा हाईलाइट कॉन्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू फेस, तब जाके आपके फेस में थोड़ी सी जान आती है। डेबोरा की आईब्रोज पेंसिल यूज़ करने के बाद मैंने इसको एनेस्टेसिया के पोमेट से फिल किया है। एंगुलर जो आईब्रोज का ब्रश होता है विद स्पूली, उसके साथ मैं अच्छी तरह इसको फिल कर रही हूँ। कलर बार का काजल यूज़ करने के बाद हमने अच्छे से मस्कारा अप्लाई किया है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट अगर आईलैश पे गिरा होगा तो मस्कारा से उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अगर कि आपकी आईलैशेस फ्लैट हो। अगर कर्ल हो तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आईलैशेस लग जाती है। अगर स्ट्रेट आईलैशेस हो तो वो अलग से फिर चमकती है। आईलाइनर ब्रश लेके मैं व्योनी बेले की वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर पैलेट से वाइट शेड ले रही हूँ। बहुत अच्छी बेस्ट पैलेट है, व्योनी बेले की वाटर एक्टिवेटेड पैलेट है। इसमें अराउंड 8 कलर्स हैं और बिल्कुल सूखेंगे नहीं। अगर हम लोग लिक्विड आईलाइनर खरीदते हैं तो वो थोड़े टाइम बाद सूख जाते हैं, बट ये जो वाटर एक्टिवेटेड आईलाइनर पैलेट होती है ये आपकी एवरग्रीन होती है। एक तो ये प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होता और ऊपर से ये आपकी सूखती नहीं है, इसको आपको वाटर के साथ लगाना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पता है क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले आईलैशेस पे हम लोग आईलाइनर लगाते हैं, उसके बाद हम ग्लू लगाते हैं। तो ये जो स्टेप है, मेरे जो ब्लैक आईलैश ग्लू मैं लगा रही हूँ, उससे क्या होता है हमारा स्टेप शॉर्ट हो जाता है, बिकॉज हमें जल्दी 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 मेकअप करने होते हैं, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता। तो हमने ब्लैक आईलाइनर ग्लू लगा के लैशेस अप्लाई करी है। मेरा जो आई मेकअप है थोड़ा बोल्ड है, पिगमेंटेड है, डार्क है, तो इसलिए मैं हमेशा लिपस्टिक को न्यूड रखूँगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपके आईज़ बहुत ज़्यादा डार्क है ना, तो आप लिपस्टिक भी डार्क कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा ना गॉडी टाइप सा लगेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ गए हो कि कैसा लगेगा। तो हमेशा अगर आपकी आईज़ बोल्ड हैं तो आपको लिपस्टिक हमेशा अपने डल रखने चाहिए, थोड़ा लाइट रखना चाहिए, और अगर आपकी आईज़ लाइट हैं तो आपको लिपस्टिक आप अपना बोल्ड रख सकते हो। कंसीलर से मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ और एक न्यूट शेड लेके, बहुत लाइट, कोई भी आपके पास लाइट शेड होगा उससे हम लोग अंदर लिप्स को फिल करेंगे और जो कंसीलर लगाया था उसको ब्लेंड करेंगे। ऐसे करने से आपके लिप्स बहुत ज़्यादा नेचुरल और एक आपकी अलग ही, जो आजकल कोरियन टेक्निक चल रही है, वैसे आपके लिप्स लगेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से चेक करेंगे, आउटलाइनिंग करेंगे अच्छी तरह, इसको तब तक आउटलाइनिंग करेंगे जब तक एक परफेक्ट एक शेप नहीं आ जाती, और हम इसको लिप ग्लॉस से ब्लेंड करेंगे। लिप ग्लॉस से थोड़ा सा और ज़्यादा नेचुरल लुक आएगा लिप्स का। तो माय लवली एंजल्स, लुक हो गया मेरा कंप्लीट। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। बहुत सारा प्यार दे दो, आप थोड़ा सा लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।